रोजे रख रही है? अल्लाह उनको सेहत दे। बहुत बुरी बात है कि अपनी माँ का बर्थडे भूल गई। नहीं, खाना नहीं बनाया है आज क्योंकि यखनी पुलाव आया है जुमा भाई के यहाँ से, है ना? रफिक भाई के यहाँ से है? अच्छा, अरे वाह, रोजा इफ्तार कराया उन्होंने, तभी मुमानी ने अपना हिस्सा निकाल दिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुमानी बोले तो जुनैद की मुमानी, हमारी मतलब मेरी मामी सास के यहाँ से आया है। मेरी मुमानी बुला के खिलाती है, जुनैद की मुमानी बुला के भी खिलाती है और घर भी पहुंचाती है। मिले नहीं तो कौन नहीं मिले? क्या वो किसी की तबीयत खराब थी तो वो एडमिट है तो उनको देखना है। अच्छा, तो वो दो ही थी, वो नानी थी, बच्चियां थी बस। ओ, नानी की तबीयत कैसी है अभी? अच्छी है। रोजे रख रही है? अल्लाह उनको सेहत दे। मैं पता है जो जिनके रोजे का जिक्र चल रहा है उनका मैं जिक्र करती चलूं, वो साहब की नानी है तो होंगी उनकी कितनी एज होगी, 80-85 साल तो होंगी, है ना? इस एज में जो है वो रोजे रख रही है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। इतनी गर्मियों के रोजे, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे। पिछले साल भी उन्होंने पूरे रखे थे। नहीं कैसे, मतलब बहुत प्यारी है जुनैद की नानी, बहुत प्यारी है। मेरी नानी तो है ही नहीं। ओ बाप रे, आपने बोला नहीं हमारा चल रहा था आने का? नहीं, और बोले कि वो बहू भी नहीं आ रही है, ऐसा बोले कि नहीं, हम खुद बोले कभी भी आ जाएंगे हम तो। मैं खुद ही चली जाऊंगी, अब तो मुझे रास्ता याद हो गया उनके घर का। हाँ और क्या करिए सर, करिए। ये कर दिया इन्होंने, रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं करने थी। मैं कह रही थी इनसे कि 2 मिनट रुक जाइए, रिकॉर्डिंग ऑन करने दीजिए, तो इनसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मुझे नहीं खाना। अरे तो ये कैमरे में क्यों दिखा रहे हो? आप ही खाइए आपकी नानी की हरकत। नहीं, मैं नहीं खा रही। तो हर नानी सास है वो? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं खा रही। अरे लोना, ये देखो, अरे इसको ऐसा नहीं करना। श्यामती जी क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ अपने घर में विश्वास होंगे। ये देखिए जी, नानी का बर्थडे था तो आदिल मामू ने केक काटा, तो उसने हमें बोला भी नहीं और हम लोग गए भी नहीं। अब मम्मी का फोन आया तो उस मम्मी ने बताया कि आज जो है वो मेरा बर्थडे था, वो जो है मतलब मुझे याद नहीं था, मैं भूल गई थी। बहुत बुरी बात है कि अपनी माँ का बर्थडे भूल गई। नहीं तो है ना, उन्होंने बोला कि केक वेक काटा है, तो फिर गुड्डा गया तो बोले गुड्डा को पहुंचा दो, तो गुड्डा गया तो फिर गुड्डा ने ना ऐसे 2 केक मंगवाए और एक केक काट के जो है वो मतलब सबको खिला दिया, 7 लोगों में इतनी बरकत कर दी। दूसरा जो है वो गुड्डा लेकर आ गया। I was lost and incomplete. I didn't know where I should. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब बाबू की चांदी। A thousand pounds upon my soul.